मुझे लगता है पहली बार इन माय लाइफ मेहंदी इवेंट हो रहा है यहाँ पे. इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू दोज गर्ल्स जो घर पे मेहंदी लगाती है, लेकिन उनको जो फैमिली प्रेशर होता है पीछे से, बोलते हैं कि मेहंदी वाली, तो ये टैग हटाना है. वो वांट टू बी कॉल्ड एज मेहंदी आर्टिस्ट. तो मेहंदी लगाना भी एक प्रोफेशन है और इसमें भी लड़कियां जो है आगे जा सकती है. अगर हम देखेंगे कि आए गए बाज़ार में ब्राइड्स जो है वो मेहंदी लगाकर निकलती हैं ऐसे ही, दिस नॉट गुड, इस्लामिकली इट्स रॉन्ग. लेकिन अगर हम जैसी लड़कियों को घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो होता रहेगा. तो ये एक स्टेप है उसके लिए. तो हम इस इवेंट में हमने हिस्सा लिया, हमें बहुत खुशी हुई है ऐसा कोई इवेंट कश्मीर में. कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं आप गर्ल्स के लिए ऐसे? मुझे लगता है कि कश्मीर में जो यूथ है दे आर सो मच टैलेंटेड कि अगर उनको कोई मौका मिले तो वो कुछ भी, मतलब कोई भी ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पर कश्मीरी जो है वो पीछे नहीं हटते हैं. एज अ गर्ल मैं ये भी बोल सकती हूँ कि अगर हमें भी सपोर्ट मिलेगा तो हम भी एज अ प्रोफेशन इसको ले सकते हैं.